आपने सही कहा था प्रभु, वरदान की उपयोगिता और उसकी महत्व जाने बिना कोई भी वरदान नहीं मांगना चाहिए। किंतु सहस्त्र बाहु जैसा राजा इसे समझ नहीं पाता। महाराज, मैं देख रहा हूँ, जब से परशुराम ने इन योद्धाओं को हरा करके आपसे लंकेश रावण को छीना है, तब से आप इन योद्धाओं को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। ताकि मुझे वो परशुराम सदैव स्मरण रहे, एक ना एक दिन मैं उसे अपनी भुजाओं में दबाकर अवश्य मारूंगा। क्या हुआ इसे, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? क्षमा करें महाराज, आपको शीघ्र आखेट पर निकलना था, इसलिए इसको जल पिलाना रह गया। आसपास कोई कुटिया या आश्रम अवश्य मिल जाएगा। चलिए महाराज। वो रहा आश्रम, आगे बढ़ो। ओम भू भुव सर्वा तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा क्या विचित्र आचरण है, एक दुष्ट बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, तो उसे बचाने की जरूरत क्या है? मान्यवर, बिच्छू का प्राकृतिक स्वभाव है डंक मारना, और मनुष्य का दूसरों की रक्षा करना। जब ये छोटा सा जानवर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? परशुराम, तू आ गया पुत्र, देख हमारे आश्रम की क्या दशा कर दी है उस दुष्ट ने। किस अधर्मी ने यह कार्य किया है मां? महिष्मति राज्य का राजा सहस्त्र बाहु अर्जुन नाम है उसका पुत्र। प्रणाम। मैं महिष्मति राज्य का राजा सहस्त्र बाहु हूं।
क्या तुम्हारे आश्रम में मेरे अश्रु के लिए जल की व्यवस्था हो पाएगी? यहाँ जल और भोजन दोनों मिलेगा महाराज, कृपया भीतर चलें। पिताश्री, ये माहिष्मती के महाराज शास्त्र बाहु हैं। इनका घोड़ा बहुत प्यासा था, कदाचित भूखा भी हो। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भावत्स। पुत्र सुषेण, इनके अश्रु को गौ माता कामधेनु के समक्ष लेकर जाओ। महाराज और उनके समस्त सेवकों के लिए भोजन आदि का प्रबंध करो। और हां, इनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा पिताजी। एक ऋषि भला इतने सारे लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे कर पाएंगे? आप कष्ट करें ऋषिवर, आप मात्र हमारे अश्रु को जल पिला दीजिए। अकारण ही समय नष्ट होगा और आप पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बस कुछ ही क्षणों में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, मैं वहां की व्यवस्था देख कर आता हूं। उचित है ऋषिवर। मेरे घोड़े को इन्होंने ना जल पिलाया ना भोजन, फिर ये शांत कैसे हो गया? महाराज, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये ऋषि कितना हृदय खोलकर लोगों को निमंत्रण दे रहा है खाने के लिए, लेकिन ये सबको भोजन में परोसेगा क्या? एक ऋषि के आश्रम में फल और फूल के अतिरिक्त और मिलेगा क्या? प्रणाम महाराज। देवी रेणुका। आइए महाराज, भोजन आरंभ करिए। महाराज संकोच ना करें, भोजन में कोई भी अभाव नहीं होगा। हम तो अभी आश्चर्यचकित हैं कि एक ऋषि के आश्रम में एक ऐसी कामधेनु गौ है जो किसी भी व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। ये तो देवराज इंद्र का आशीर्वाद है महाराज। बहुत अच्छा हुआ जो देवराज इंद्र ने उपहार में ये कामधेनु गौ आपको दे दी, अन्यथा हमें इसकी दिव्यता का पता कैसे चलता? मंत्री जी। जी महाराज। कामधेनु गौ के बदले इनके संपूर्ण आश्रम के हर कक्ष को रत्नों और माणिकों से भर दो, ताकि कामधेनु गौ के जाने के पश्चात इस संपूर्ण आश्रम की रौनक कम ना हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? रत्न और माणिक कम है तो आप ही बता दीजिए आप किस प्रकार प्रसन्न होंगे। हम आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देंगे, किंतु कामधेनु गौ अब हमारी हुई।
महाराज, कामधेनु अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, इसे आप नहीं ले जा सकते महाराज। तेरा इतना दुस्साहस कि महिष्मति के राजा के हाथ को पकड़े। हट, पुत्र। कामा, हमारी गौ माता बिक्री के लिए नहीं है। और तुमने सुना ना कि हम इस गौ को ले जा रहे हैं। पहले कि तुम सब मेरे पुत्र परशुराम के क्रोध के भागी बनो, और तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारे शोक का विलाप करें, अभी भी समय है, चले जाओ यहां से। परशुराम, परशुराम, यदि परशुराम को ज्ञात भी हुआ कि तूने उसकी गौ माता एवं भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। यही तो हम चाहते हैं कि वो जान ले, और भली भांति जान ले। स्वामी, दुष्ट तू है तेरे इस जीवन पर, जो तू एक ऋषि परिवार पर अत्याचार कर रहा है, इसका मूल्य तुझे चुकाना होगा। मूल्य तो मैं अवश्य चुकाऊंगा, भेज देना अपने उस पुत्र परशुराम को। मंत्री जी, बंदी बना लो इस कामधेनु गौ को और इसके चारों पुत्रों को। पुत्र हमसे लंकेश को तो छुड़ा कर ले गया था, किंतु आप तुम्हारे चारों पुत्रों को हमसे छुड़ा कर तो दिखाए। वो दुराचारी दुष्ट माता कामधेनु को तो अपने साथ ले ही गया, तेरे चारों भाइयों को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले गया पुत्र, और तेरे पिता का जो घोर अपमान किया वो अलग। लो, भोजन कर लो। किंतु यह तो घास की रोटी है। महाराज ने यही भोजन देने के लिए कहा है।
खाना है तो खाओ, कल फिर यही भोजन मिलेगा। आप इसे यहां से लेके जाइए, हम ये नहीं खा सकते। ऐसा प्रतीत होता है ये दुष्ट हमारी गौ माता कामधेनु की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा करो, इन सबका काल हमारा भाई परशुराम जल्दी आता होगा। अब महादेव ही रोके तो रोके परशुराम को, अन्यथा वो कहाँ अब किसी के रोकने से रुकने वाला है। इन दुष्टों को ज्ञात भी नहीं है कि माता कामधेनु और हमें बंदी बनाकर इन्होंने कोई साहस का कार्य नहीं अपितु इस राज्य के विनाश को चुनौती दी है। मुझे तो भय है कि यहाँ क्या होने वाला है। ले खा ले, इतना सम्मान और प्रेम से भोजन मिल रहा है, खा नहीं रही है? जब हमारे महाराज का विकराल रूप देखेगी ना, स्वयं भोजन गटगट ही अंदर चला जाएगा, इसलिए कहता हूँ खा ले, अन्यथा हमें बल का प्रयोग करना होगा। क्या हो रहा है यहाँ? क्षमा महारानी जी, हम तो गो को भोजन करवाने का प्रयास कर रहे थे, मगर यह है कि भोजन के स्थान पर नखरे दिखा रही है, और तो और इसने देवदत्त जी को सिंह भी मार दिया है। अच्छा, इसका अर्थ है हमारी विनय, वंदना, पूजा, पाठ, इसके लिए सब व्यर्थ गई। राजा सहस्त्रभाव के साम्राज्य में बाघ और सिंह तक तुम दबाए घूमते हैं, फिर ये तो मात्र एक गौ है। किंतु महारानी जी, ये कुछ खा ही नहीं रही, इसका क्या करें? ना खाए तो ना खाए, चार दिवस भूखी रहेगी तो इसकी सारी अकड़ इसके स्वामियों की भांति ढीली पड़ जाएगी। अभी बताती हूँ, ये तो बहुत ही अड़ियल और गुस्सेल गाय है। मंत्री जी, आपने सभी राजाओं को भोज का निमंत्रण दे दिया? जी महाराज, किंतु एक बात समझ में नहीं आई, हमें शत्रु राजाओं को भोज का निमंत्रण क्यों भेजना? वो कहते हैं ना कि शक्ति प्रदर्शन करने से पूर्व उसका निरीक्षण और परीक्षण दोनों भली भांति कर लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है परीक्षण करने के पश्चात उसका प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। जरा सोचिए मंत्री जी, जब सभी राजाओं को यह ज्ञात होगा कि हमारे पास कामधेनु की शक्ति है, तो क्या वो फिर अपना सर उठा पाएंगे? कदापि नहीं। उचित है महाराज, आपके आदेशानुसार हम आज ही सभी राज्य के राजाओं को भोज का निमंत्रण भिजवा देते हैं। प्रणाम सुदर्शन चक्रदेव जी। सहस्त्र बाहु, तुम्हारे जघन्य अपराधों को देखकर मुझे जो पीड़ा हो रही है, उससे मैं तुम्हें कल्याण भाव का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। ये सब उचित नहीं है, अभी भी समय है, लौटा दो कामधेनु परशुराम को, अन्यथा भीषण क्षति के लिए तत्पर रहो। आपके अति उत्तम सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चक्रदेव जी। जलपान करके जाइएगा, मुझे कुछ कार्य है।
प्रणाम। यही है वो परशुराम। सावधान, सतर्क, अर्धचंद्र व्यूह रचना से घेर लो उसे।